तो राम राम भाई, सारी बाणा ने, उम्मीद करूं कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी। तो भाई देखो, व्लॉग में बात हुई थी कल परसों के मैं के जर्नी की बात कि हम आपके बारे में जानना चाहे हैं, तो एक तम मेरे बारे में जानना चाहो तो मैं काम करते करते तो नहीं बता पाऊंगी भाई उस सारी चीज़ा ने, तो इसके लिए मुझे बैठ कर ही थरते ये सारी बात शेयर करनी पड़ेगी। तो भाई इसलिए काफ़ी सोच समझ कर मैंने एक फैसला लिया कि चल मैं अपने बारे में अगर बताऊंगी, एक दो तीन जो भी व्लॉग बनाएंगे, 8 मिनट से ज़्यादा मैं उस चीज़ को नहीं खींचूंगी, तो सिर्फ 8 मिनट का ही मैं बता पाऊंगी एक व्लॉग में। आज के दिन तक मैं उस चीज़ ने शुरुआत कर लग रही हूँ, तो तब तक व्लॉग आवेंगे देसी जाटनी पे, और भाई आज का भी आ चुका है, वहाँ पे जाकर तुम देख लियो, ठीक है। लेकिन शर्त है मेरी भी, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो शर्त मेरी ये भी है कि मुझे दोनों जगह तुम्हारा साथ चाहिए, दोनों चैनल पे तुम लोगों का साथ चाहिए। अगर साथ दोगे भाई, इस व्लॉग ने तुम प्यार दोगे तो मैं आगे इस चीज़ ने कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन अगर तुमने इस चीज़ को नहीं शेयर किया या भाई ढंग से तुमने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया तो शायद मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखूंगी, ठीक है। तो भाई शुरुआत करने से पहला तुमने एक चीज़ बता दूँ, जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके जाइयो, और भाई जो मैं इंटरेस्टेड है इस चीज़ को जानने में, क्योंकि देखो भाई बचपन सबका इंटरेस्टेड हो, अगर किसी का दुख भरा रहा है, किसी का सुख भरा रहा है, किसी का भाई बोता है मतलब मजे फूल रहा है, तो ये भाई तुमने मैं बताऊंगी मेरा किसा रहा यार। भाई मेरा थोड़ी सी एलर्जी हो जागर नाक में, तो मेरा हो जागर मतलब इचिंग हो लग जागर थोड़ी सी, तो वो इचिंग घड़ी तक जब हो जागर जब मैं थोड़ी सी नर्वस हो, ओके। इस चीज़ का किसी ने बुरा ना लागो, सबसे बड़ी बात ये है कि बुरा ना लागो। और भाई एक और बात बताऊंगी तुमने, पहला आज याद है थोड़ी सी, क्योंकि जरूरी है पहला शुरुआत में ये चीज़ें मुझे आज बोलनी, हो सके मैं उड़े के बारे में थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में जो शुरुआत करूंगी वो थोड़ा बहुत ही बता पाऊँ आज के मैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले कई चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो घेरी थी, तो प्रैंक वीडियो थी, और उसमें भाई हंसी मजाक था सारा दिखा था भाई, हम दोनों मैं और गुड्डी बैठे थे कपड़े की शॉप में, और अजय भारद्वाज भाई आ रहा था, तो हम प्रॉपर हंस रहे थे उस वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं था कि हम गणे सीरियस हों। उस चीज़ को भी लेके लोगों ने मुझे ट्रोल किया था कि मेरे घर तक, मेरे भाई तक फ़ोन कर दिए थे कि क्या हुआ। देखो मैं ये नहीं कहती, हो सके भाई वो बेचारे इस बात ने देख कर थोड़े से नु हो गए कि बेबे बेबे की ये लक्की हो गया, मैं ना उस ना गलत कहती, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी भाई, अगर कोई भी है वीडियो को प्लीज पूरा देखा करो, उसके बाद जज करा करो, या उसके बाद मेरे घर वाला तब बताया करो इस चीज़ ने, आधी अधूरी चीज़ देख कर मत करा करो ये काम। और दूसरी बात, मैं अगर मेरी कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी ना आड़ है, तो मैं यहाँ सोशल साइट पर शेयर करने से पहला मैं अपने घर क्या तो बताऊँगी, क्योंकि मेरे शुभ चिंतक, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी भाभी मेरे घर के बैठे हैं, तो मैं उन तक शेयर करूँगी सबसे पहला उस चीज़ ने, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो। भगवान की दाता आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। तो भाई शुरुआत करते हैं ईवे, और इससे हमारे थर तो पहले यह बात बताऊंगा, कहते तो मैडम आज मेरे घर फोन कर दो, थारी छोरी के कल लग रही है पता मेरी यह जर्नी मेरा यो जो जो सारा है इस नाड़े रोक दो, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं मम्मी पापा की शादी तक, तो मम्मी ने जितना मारती बताया उतना मैं थारती बताऊंगी कि मेरी जो मम्मी है वो सारी 13 साल की थी शादी में, ठीक है, 13 साल की थी। और जिस टाइम मम्मी और ने मतलब यूँ था, पापा थे दो भाई और दो बहने, मतलब मेरे दो मेरे जो ताऊ जी थे वो हम उनने भी पापा कहा अगर हमने ताऊ काका कुछ नहीं कहना सीखा, हमने सिर्फ पापा कहना सीखा। तब मैं बता दूँ तो पापा थे दो भाई और दो थी उनकी बहनें, दो मेरी बुआर थी दो मेरे पापा थे, तो दोनों भाई थे और दोनों बहनें थी। और भाई बुआर की शादी हो रही थी, हमारे जन्म तक पहला ये बुआर की शादी हो रही थी दोनों की, तो एक बुआ मेरी ब्याह रखी थी नांदड़गाम में और एक थी मेरी बापड़ोदे, हालांकि आज वह दोनों इस दुनिया में नहीं है भाई, अपने भगवान ने प्यारी होली, और आज वह स्वर्ग में है और हम नरक में है, सही बता दूं तै। और दोनों बहुत ही अच्छी थी मेरी बुआर, मतलब बहुत ही बढ़िया लगे करती, मैंने इतनी बात बताया करती पुरानी, इतनी बात बताया करती जिसकी कोई हद नहीं।
अगर ही मैं तुम नवे सारी बात आड़े बताने बैठूंगी ना तो न्यू ना बेरा कितनी बड़ी लंबी राम कहानी है। ठीक है, तो भाई बुआ जो थी बड़ी थी वो रहा करती लड़कियां की डाला, लेकिन जो छोटी बुआ थी जो नंदड़ में ब्याह रखी थी वह रहा करती हमेशा लड़कियां की डाला, क्योंकि वह हमेशा लड़कियां की डाला पड़ी बड़ी थी और लड़कियां की डाला रहा करती। वह किसी थी तुमने बता दूं, वह जब पहला के थे पढ़ाई कम थी और भाई अपने मैस मुस चरान जाया करती। जब वह मेरी बुआ मैस चरान जाया करती तो गेला जेली रखा करती तो डेंजरस पूरी तो वह जेली रखा करती तुमने बता दूं। यह चीज भी मैंने अपने घर क्या तय सुनी है, खासकर मेरी बुआ ने बताई थी, बड्डी ने बताई थी ये सारी बात, छोटी नहीं बताया करती, छोटी अपने में मस्त रहा करती। लेकिन सबसे ज्यादा दुख भाई बुआ ने भी खूब दुख देखा भाई, जिसने कहा अगर ना आखर दुख देखा दोनों ने, लेकिन कहा करे ना कि भाई भगवान सबकी सुना है। तो मेरे ख्याल से नंदलाल तो लास्ट ही भाई एक्सपायर होगी चली गई, लेकिन उसने कदे सुख नहीं देखा। उसने सुख उस दिन नहीं बोली थी जिस दिन मेरा भतीजा होया ना, तो बोली आज मेरी आत्मा ने शांति पड़ गई कि मेरा भाई का वंश चल गया। और भाई उस दिन मैंने वह खुश देखी थी, या फिर जिस दिन उसका बड़े बेटे की शादी हुई थी, बेटे दो थे बुआ के हैं अभी दोनों हैं, और भाई शादी ओनली बड़े की हो रखी है, छोटे जो छोटा भाई है वो पता नहीं कहाँ कुछ दिन तो बीच में हमारे पास आ गया था, वो बुआ के एक्सपायर होने के बाद कुछ दिन हमारे पास रहा था भाई के दो रहे, लेकिन उसके बाद हमने नहीं पता है भाई वो है कहाँ, मुझे नहीं पता ना। मैं कभी शादी के बाद बुआ के गई हूँ ना, मैं कभी शादी तक पहला गई थी, मैं सिर्फ मेरी बुआ के एक ही बार गई थी नंदड़ गाँव में, और उस टाइम मैं शायद 1-1.5 महीना या 2 महीने के आसपास रुकी थी जब उस भाई की शादी हुई थी बुआ वाले लड़के की। तो बस, और फिर भाई आ जाते हम उल्टे मम्मी पापा की शादी पे, तो मेरी मम्मी बताया करे जिस टाइम दादी मेरी मम्मी ने देखने गई, तो मम्मी ले के पहला लिया करते जोड़ में था काली गार काट के, और घर पहला लिपड़ते पहले नीचे का काली गार था फिर पीली माटी ते लिपया करते कि भाई पूरे साल वो जो साल है चिकनी रवे। तो मम्मी बताया कि हम जा रहे थे भाई गार लेना, और मारे शलवार टंग रही थी पहला कड़े पेंट कमीज कुछ ना होया करते, फराक और शलवार होया करती, फराक भरा देते सलवार सूट भरा दिया करते छोरिया ने। तो मम्मी बोली मैं हमें तसला मती थी इतनी गार ले रहे थे और हमारे पाए काली गार के भरी थे, और फिर भी देखते पसंद कराई थी, बोला मैंने दोनों छोरी पसंद है। ठीक है, उससे पहला जो मेरी दादी थी उनकी पहला तो मेरे मामा के गम में असनाई थी भाई, वह असनाई भी कैसे थी वो भी थरते बताऊंगी। तो इस मारे उनने रिश्ता करवाया था, उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नाई नुई था बीच में, नहीं अखे दादी सीधी देखने गई थी और उधर से नाना देख कर गए थे। तो भी रिश्ता हो गया, दोनों ब्याहे गए, लेकिन मम्मी क्या थी, मम्मी 13 साल की थी इसलिए मम्मी को 2 साल बाद भेजा था मेरे ख्याल में, 1 साल या 2 साल, मुझे इतना अब की बार पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी मम्मी तो पूछ कहूंगी। तो मम्मी को मेरे हिसाब से 2 साल पीछे भेजा गया था कि 15 साल की करके ससुराल में भेजा था, या 13 साल की मुझे कल के मैं बताऊंगी। तो आज की जो वीडियो 8 मिनट की होगी है, तो आज का यो जो व्लॉग है इतना ही रहेगा भाई, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी खिंच जा वीडियो और फिर तुमने देखने में इंटरेस्ट नहीं आओगा। तो आज की वीडियो तुमने किसी लगी कमेंट करके बताइए, और या जर्नी कंटिन्यू राखनी है या नहीं राखनी है वो भी बताइए, क्योंकि लाइफ के कुछ मोड़ ऐसे हैं जो मैं शायद ही जीते जी भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी उन चीज़ों को। तो भाई मैं सोचूं हर चीज़, क्योंकि काफ़ी लोग हैं मेरे बारे में जानना चाहवा पूछे जावा, और मैं तुमने बता दूं कि भाई मैं प्रॉपर रोणा गांव की बेटी हूँ और सुनारिया में ब्याह की हूँ। तो ये मेरे बच्चे भी आगे हैं, तो राम राम।